आज पांचवें चरण का मतदान चल रहा है और पांचवें चरण के मतदान में अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में ही 14 लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है और बहुत ही अहम है आज का ये मतदान पांचवा फेज, क्योंकि कई ऐसे नामी गिरामी बड़े बड़े चेहरे हैं, दिग्गज हैं, जिनके किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। 14 सीट पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के सामने है, क्योंकि रायबरेली में और अमेठी में इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि रायबरेली और अमेठी का चुनाव इतना दिलचस्प क्यों है। लोकसभा चुनाव का सबसे अहम पांचवा चरण, ये 2024 के मतदान का वो चरण है जहां देश के सबसे बड़े राजनेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। रायबरेली में राहुल गांधी, अमेठी में स्मृति ईरानी, लखनऊ में राजनाथ सिंह और केसरगंज में करण भूषण इस महासमर की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। पांचवें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान, 2019 में इन सीटों बीजेपी ने 13 और कांग्रेस ने एक सीट जीती थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को एक सीट भी नहीं मिली थी। ऐसे में इस चुनाव में अब मायावती भी पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान में हैं। देखो, हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें। तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज राजनेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की अपील करते नजर आए। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार का नीचे से सूचनाएं मिल रही हैं और हमारे काम के प्रति लोगों का विश्वास है, मोदी जी और योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस चरण की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों वरिष्ठ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का हमारी सरकार का काम है और हमारे नेताओं का स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते लोगों से संवाद, संपर्क, आत्मीयता, उनकी उपस्थिति जनता के बीच में लगातार बनी हुई है। अगर हाई प्रोफाइल चेहरों की बात करें तो इस चरण में रायबरेली से राहुल गांधी की किस्मत का फैसला होना है। अमेठी की जनता स्मृति ईरानी की किस्मत का फैसला करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट के लिए मतदान होगा। कैसरगंज की सीट पर ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण की परीक्षा है। तो वहीं फतेहपुर से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी निरंजन ज्योति ने 400 पार सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। मैं अपने 49 लोकसभा फतेहपुर के मतदाताओं से भी अपील करती हूं, निकलिए। यदि मैंने जिले में काम किया हो तो अपने मत का प्रयोग करके तिबारा मुझे वहां से चुने। एक तरफ अखिलेश यादव भी आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, केजरीवाल भी कर रहे हैं पार्टी पर, ये अखिलेश यादव की मानसिकता दर्शाती है कि इनके यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है। केजरीवाल के घर में महिला को पीटा गया, जो राज्यसभा सांसद है, महिला आयोग की सदस्य रही है। ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि महिलाओं का सम्मान करेंगे। उन्हीं के मार्गदर्शन में तो उनको बड़ा भरोसा है कि उनसे बड़ी जीत आपको मिलेगी। ये उनकी मेहनत, उनकी 30 साल की मेहनत है तो जो मुझे आज आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन अभी ये पिताजी का ये कहना है कि क्षेत्र में आप क्षेत्र के लोगों से अधिक कनेक्ट हैं। हाँ, मैं एक बेटे की तरह सबके बीच में हूँ, एक परिवार के सदस्य की तरह सबके बीच में हूँ, ये मेरा परिवार है। पांचवें चरण की सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी के सामने सियासत की विरासत को बचाने की चुनौती है, तो स्मृति ईरानी के सामने अमेठी सीट बचाने का प्रेशर, क्योंकि सबकी नजर खासकर इन्हीं दोनों सीटों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
इधर राम विरोधी आरोपों के बीच जब राहुल गांधी हनुमान मंदिर पहुंचे, भगवान हनुमान के शरण में गए तो विरोध होने लगा। रायबरेली में मंदिर से पूजा करने के बाद जब राहुल गांधी जनता के बीच गए तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी मंच से राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राह चुनौतीपूर्ण है। क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है? क्या मंदिर मंदिर हिंदू वोट बैंक के लिए भ्रमण किया जा रहा है, या फिर राहुल गांधी की मंदिर में पूजा बहुसंख्यकों के बीच मैसेज देने के लिए है? क्योंकि वायनाड के बाद जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो वोटिंग के बीच हनुमान मंदिर में पूजा करने चले गए, लेकिन इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के लिए रायबरेली जीतना उतना ही जरूरी है जितना बीजेपी के लिए तीसरी बार मोदी सरकार का बनना। ऐसे में राम मंदिर का विरोध कर चुके राहुल गांधी संकट मोचक की शरण में हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज दे रहे हैं, लेकिन इस क्षणिक पूजा पाठ पर सीएम योगी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। पूरा चुनाव अब इसके इर्द गिर्द ही घूम चुका है। पूरा चुनाव, लोकसभा के पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के नेता तो पहले प्रभु राम को नकार चुके थे। पहले इन्होंने कहा था कि राम का राम तो हो ही नहीं, इन लोगों ने पहले ही कहा था। और अभी चुनाव के दौरान भी इनके एक बुद्धिदाता कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई, आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना दो। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों की राह सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ रुख कर चुकी है। यहां तक कि प्रियंका गांधी भी दावा कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। राहुल के साथ मोदी जी हिंदू पर डिबेट कर लें, राहुल गांधी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। तो वहीं एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदुत्व की राह पर चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कभी अखिलेश यादव के करीबी रहे स्वामी मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव सेकुलर बनने का ढोंग करते हैं, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। अखिलेश यादव जी वो बीजेपी के ही पद चिन्हों पर चलते हैं, बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है, और केवल यही कहते हैं कि मैं सॉफ्ट हिंदू हूं। और सॉफ्ट हिंदू का मतलब मोदी जी और बीजेपी वाले हार्ड हिंदू हैं। यानी चुनाव के आखिरी बचे दो चरण में अब लड़ाई हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ चुकी है, जिसकी झलक रायबरेली में दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक तरफ पांचवें चरण के लिए मतदान जारी है तो दूसरी तरफ बाकी के चरणों के लिए प्रचार। बस्ती में अखिलेश यादव की जनसभा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली भी है। आईजीसी ग्राउंड में अखिलेश की जनसभा है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूर रखा गया है इनको, किसी को नौकरी नहीं दी, ना रोजगार दिया। लखनऊ से लेकर के और जगह पर दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर के इन बीजेपी के लोगों ने करते हुए अखिलेश यादव नजर
रहे हैं बस्ती में, उनका ये कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार इस कोशिश में है कि विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA वो मजबूती से बीजेपी का सामना कर सके, NDA का सामना कर सके। कल हालांकि फूलपुर और प्रयागराज में हमने देखा कि किस तरह से भीड़ बेकाबू हो गई और वो लोगों को संबोधित भी नहीं कर पाए। इधर इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। रॉबर्ट वाड्रा ने दावा किया है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली दोनों जगह पर जीत हासिल करने वाली है। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों को पछतावा है और अब वो इस बार अपनी गलती ठीक करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों की पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, यानी कि इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी इच्छा एक बार फिर जाहिर की है और जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगे, ये बात भी कही है। पांचवा चरण शुरू हो गया है, मतदान जारी है, अमेठी रायबरेली को लेकर आपकी क्या उम्मीद है? जरूर जीतेंगे और मुझे पता है कि किशोरीलाल शर्मा वहाँ हैं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि या तो प्रियंका हैं या मैं आऊँ, पर मुझे ज़रूर विश्वास है कि उनको समझ है कि किशोरीलाल शर्मा कितने अरसों से उनके बीच काम कर रहे हैं, चप्पा चप्पा जानते हैं। और मेरी प्रार्थना उनसे है, अमेठी के लोगों की, कि उनको समझें, उनकी मेहनत को समझें और ज़रूर उनको भारी बहुमत से जिताएं। और रही रायबरेली की, राहुल आपको पता है कितनी मेहनती हैं, उनको बहुत खुश होना चाहिए कि राहुल अमेठी से, रायबरेली से हैं, वहाँ उनके बीच में है। और अमेठी में भी वो देखेंगे कि अमेठी के लोग भी जो भी पहले स्मृति जी के आने से पहले जो अमेठी के लोगों को लग रहा था कि गलती हुई कि गांधी परिवार से नाता टूटा, पर अब वो चाहते हैं कि वो बदलाव आए और जैसे प्रगति पहले राहुल ने की थी वो दोबारा होगी और वो रायबरेली में होगी, रायबरेली में भी और अमेठी में भी। और अगली खबर है कौशाम्बी से, जहां पर डीएम और एसपी ने गड़बड़ी की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी समेत पोलिंग टीम को बूथ से ही हटा दिया और नई टीम को लगा दिया है। नई पोलिंग टीम को कमान सौंप दी गई है। यहां पर यह मामला कुंडा विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय का है। सांसद और बीजेपी प्रत्याशी, लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विनोद ने गड़बड़ी की शिकायत सुनवाई थी। मतदान केंद्र के अंदर बूथ एजेंट के होने का और पीठासीन अधिकारी के परिचय पत्र अपूर्ण होने पर नाराजगी जताई थी। बूथ पर अधिकारियों से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया था और अब कार्रवाई हुई है। नई पोलिंग टीम यहाँ पर लगा दी गई है। और इसी कौशाम्बी सुरक्षित लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोच ने अपने पैतृक गांव नगरेहा खुर्द के बूथ पर मतदान किया। उनके साथ उनके पिता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोच और मां पुष्पा सरोच ने भी वोटिंग की है। पुष्पेंद्र सरोच ने अपनी जीत का दावा किया। कितने आश्वस्त हैं? सब प्रत्याशी बोलता है कि वो जीतने वाला है। मैं कहूंगा आप जनता के बीच में जाइए और जनता आपको खुद बता देगी कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। अब तो मतदान हो गया है, आपने भी कोर्ट कास्ट कर दिया है, किस मुद्दे पर आपने ये चुनाव लड़ा है, जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जीत के प्रति हम आश्वस्त हैं और जो मुद्दे हैं, कौशाम्बी की अगर मैं बात करूं, बेरोजगारी, महंगाई पे वोट डल रहा है, लेकिन कौशाम्बी में जो मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है जनता के द्वारा, तो आपके पास जनता ही तैयार हो गई थी, जनता ही ये चुनाव लड़ रही थी। आपको जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं और जीत का अंतर कितना होगा, जिस तरह से विपक्षी तमाम तरह के प्रचार भी कर रहे हैं? देखिए, जीत हमारी होने जा रही है, मार्जिन में आपको बता नहीं सकता, 14 दिन का इंतजार आप भी करिए, हम भी करते हैं और फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि मार्जिन कितना बड़ा है।